आज हमने बनाया है एक बहुत ही हेल्दी और फ्लेवरफुल कश्मीरी पुलाव, जिसे हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमने इस पुलाव को कैसे बनाया है। हमने एक पैन लिया है और गैस को बिल्कुल सिम पे रखा है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी के डालेंगे। घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये हमने 1/4 कप बादाम लिए हैं, ये डालेंगे। 1/4 कप काजू लिए हैं। 1/4 कप पिस्ता लिए हैं और 1/4 कप किशमिश लिए हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1-2 मिनट तक। गैस को हमने लो पे ही रखना है। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए सारी किशमिश भी अच्छे से फूल गई है और काजू, पिस्ता और बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। ये हमने 1/4 कप फ्रेश नारियल लिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। आप इसके बदले सूखा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है। नारियल को भी हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है, इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना। इसे भी निकाल लेंगे बोल में। अब ये कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं। एक तेज पत्ता, एक मोटी इलायची, उसे हल्का क्रश कर लिया था। 4 छोटी इलायची, उन्हें भी क्रश कर लिया। दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और 2 लौंग, इन्हें भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है। मसालों को भी हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट है, ये भी डाल देंगे। और ये चावल हमने 1 कप लिए थे, इन्हें आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था, इसका पानी निकाल दिया। अब ये चावल भी साथ में डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमने 1 कप चावल लिए थे, इसमें डबल पानी डालना है, 2 कप। वही कप का माप रखेंगे, गैस को फुल पे कर देंगे। और साथ में 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने देंगे। चावल में उबाला आ गया है, अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसे ढक देंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक चावल का पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। चावल को पकते 10 मिनट हो चुके हैं, हमने बीच बीच में चेक किया था। ये देखिए इसका पानी भी पूरी तरह से सूख गया और चावल भी नरम हो गए हैं हमारे। ये देखिए बिल्कुल सूख गया पानी। गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर 1/2 टीस्पून रोज इसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए। गैस को हमने बंद कर दिया। इसे ऐसे ही 5 मिनट ढक के रखेंगे सर्व करने से पहले। पुलाव को ढक के रखे 5 मिनट हो गए हैं। सब मसालों की, सेंस की और ड्राई फ्रूट सबकी फ्लेवर इसमें आ गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी पुलाव बना है। आप इसे किसी भी रायते के साथ खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे एक बोल में डाल के सर्व करेंगे।